सैनी सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब स्पीकर पद के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। जो मंत्री बनने से चूक गए हैं वो अब स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। भाजपा स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के पद पर उन जातियों को समायोजित करने की कोशिश करेगी जिनका मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कम है या बिल्कुल नहीं है। सैनी के मंत्रिमंडल में रोड जाति का प्रतिनिधित्व रह गया है। रोड जाति से इस बार दो विधायक चुनकर आए हैं। इनमें घरौंदा से हरविंद्र कल्याण और दूसरे सतपाल चांबा हैं। हरविंद्र कल्याण तीसरी बार चुने गए हैं और वो मनोहर के करीबी हैं। ऐसे में भाजपा उनके नाम पर दांव खेल सकती है। वहीं इस पद के लिए मूलचंद शर्मा का नाम भी चल रहा है। मंत्री नहीं बन पाने की भरपाई वो इस पद से करना चाहते हैं। वहीं तीसरे दावेदार घनश्याम सराफ हैं। वो चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं। उधर डिप्टी सीएम पद के लिए भी कई विधायकों का नाम चल रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा इस पद के लिए किसी पंजाबी विधायक को नियुक्त कर सकती है। पंजाबी समुदाय के 11 उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से 8 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। 8 पंजाबी विधायकों में से भाजपा ने सिर्फ अनिल विज को मंत्री बनाया है, बाकी 7 मंत्री रह गए हैं। ऐसे में भाजपा एक और पंजाबी को डिप्टी स्पीकर पद पर नियुक्त कर सकती है। इसके लिए 2 नाम चल रहे हैं, इनमें जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा और दूसरे यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा है। मिड्ढा मनोहर लाल के करीबी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।